हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए थे, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था, मुझे समझाने में पाप हुए होंगे तो भाई धुल जाएंगे। सबको राम राम जी फिर से एक बार, और एक अनप्लैंड ट्रिप समझ लो या थोड़ा सा काम आ गया है तो प्लान हो गया एकदम से, और अपन निकले हैं जस्ट अभी घर से, रोड पे पहुँचे हैं बस मेन रोड पर, और उत्तराखंड साइड जाना पड़ रहा है, आज जाना है और कल दोपहर तक वापस आना है, तो पास में ही जा रहे हैं, मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड में बहुत दूर जा रहा हूँ, नज़दीक ही जा रहा हूँ, पर ज़रूरी काम है करके आता हूँ एक बार ज़रा, है ना, बाकी आप लोगों को भी दिखाऊंगा जहाँ भी जा रहा हूँ, आपको मालूम पड़ ही जाएगा क्या। तो चलो साथ में सफ़र इन्जॉय करते हैं फिर, सब मौज बाहर, सब कुशल मंगल चल रहा है ना, लाइफ में कोई टेंशन तो नहीं है, और कोई टेंशन हो तो बता देना भाई को, भाई देख लेगा, है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, अपनी टेंशन है ना खुद संभालो, मैं तो अपनी ही संभाल पा रहा हूँ, इतनी सारी बसर फैली हुई है लाइफ में। वैसे यार एक बात तो है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो बन गया है ना, इससे यार मतलब ट्रैफिक से बच गया इंसान, जो नॉर्मल जो ट्रैफिक रहा करता था ना आपका क्या, तो यार मजा आ गया यार रस्तों से तो खैर, और यही रस्ते हैं यार जिसकी वजह से सब इंजॉय कर पा रहे हैं, जगह जगह जा पा रहे हैं, अपना देश घूम पा रहे हैं, अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो यार फिर क्या कोई कहीं कहाँ घूम के आएगा यार। और मैं ना अकेला निकला हूँ फिर से, ये देखो कोई नहीं है, गाड़ी खाली है, खाली गाड़ी है, कोई नहीं है, तो मैं अकेला ही निकला हूँ, जा रहा हूँ, थोड़ा जरूरी काम है बस, जाना है, काम करना है और वापस आना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, किसी से मिलेंगे, रात का स्टे वहीं है, रात को रुक के अपना आराम से रात को वहीं रुकना है जिनके यहाँ पे जा रहे हैं, और फिर मतलब जिनके यहाँ जा रहे हैं वहाँ तो नहीं रुकेंगे, उनके घर के पास ही रुकेंगे, उनको क्यों परेशान करना है यार, और सुबह उनसे मिल के अपना काम करके अपने घर वापस, अब देखते हैं रात को, होटल तो बुक नहीं किया है, वहीं जा करके देख लेंगे यार, क्योंकि टाइम से पहुँच जाऊँगा तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। और यार कोई ना कुछ भी कहे मोदी जी को, भाई मैं तो बड़ा धन्यवाद बोलता हूँ मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने यार इतने अच्छे अच्छे रास्ते बनाए हैं, अब इस एक्सप्रेसवे की वजह से मैं बहुत जल्दी पहुँचाऊँगा यार, मतलब 2 घंटे तो मेरे बिल्कुल ही कम हो गए इस रास्ते से, अब और क्या ही चाहिए लाइफ में यार, रास्ते अच्छे हो गए, इंटरनेट सुविधा अच्छी हो गई, इतना कुछ तो बढ़िया हो रहा है, तो लाइफ में क्यों क्रिप करें किसी चीज़ के लिए, और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि यार पूरा देश हम घूम सकते हैं अब इस कनेक्टिविटी की वजह से, इतने बढ़िया रास्ते हैं यार हमारे देश के। सही है यार, अपनी अपनी 100 की स्पीड मैंने मेंटेन रखी है, और मेरे को ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा, मैं प्रतापपुर पहुँचने वाला हूँ, हार्डली 2 से 4 मिनट लगेंगे मेरे को प्रतापपुर पहुँचने में, और गाड़ी का एवरेज देखो 24.9, और ये मत सोचना कि ये मतलब दिखा रही है, देती नहीं है भाई ये एवरेज देती है, इसने मुझे 28 का एवरेज भी दिया हुआ है, फॉक्सवैगन इस मामले में बहुत अच्छा है, फॉक्सवैगन हो गया, स्कोडा हो गया, ये ब्रांड्स बदनाम है यार, बेमतलब एक बार लेके तो देखो भाई, बहुत बढ़िया ब्रांड है ये, मज़ा आ जाता है चला के इन गाड़ियों को, जिसने एक बार ले ली ना फॉक्सवैगन वो नहीं लेता किसी मारुति परुति को फिर, देखो मस्त एकदम 24.9 का एवरेज है, और अभी ये बढ़ी जाएगा अगर मैं रखूँ ना सामने स्क्रीन कॉन्स्टेंट, आप खुद देखोगे बढ़ता हुआ, बट अगेन वही है ना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ये दिखाने बैठ गया तो, हालांकि अभी तो एक डिप हो गया, बेइज्जती करा दी भाई, बेइज्जती करा दी, चलो कोई बात नहीं। अभी अपन क्रॉस कर रहे हैं मेरठ, और मेरठ में तो आपको सबको पता ही है मेरठ के बारे में, तो यार बड़ा पुराना शहर है यूपी का, बड़ा नामी शहर है, आई वुड से कौन नहीं जानता इसके बारे में, दादा लोग रहते हैं, दादा लोग यहाँ पर, मतलब वो दादा नहीं है, भाई लोग बोलो, भाई लोग यार से भाई लोग, मेरे ख्याल से हमारा अभी मतलब प्रतापपुर के बाद जो नेक्स्ट टोल आता है मेरठ, पता नहीं मेरठ टोल है क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मान जाती है शायद, पता तो है कौन सा भी टोल आने वाला है, दुराला अब आने वाला है टोल, ये हमारा सेकंड टोल है।
ये देखो यार, अभी मैं हूँ मुजफ्फरनगर में और यहाँ पे मैंने देखा कि यार सनसेट हो रहा है, तो आपको भी दिखाया जाए। ये देखो कितना मस्त नज़ारा आ रहा है यार। पीछे हमारी गौ माता गाय चल रही है, चिकरी भी है यार, अपने इधर तो है ही नहीं। खैर अब कितना बढ़िया सनसेट होने को तैयार है, अभी तो लग जाएंगे 5-7 मिनट इसको डूबने में। खैर बोलिए यहाँ की सड़कें, आप लोगों को पता है मुजफ्फरनगर का नाम कैसे पता? मुजफ्फरनगर ये ना कोई कभी मेरे ख्याल से 1633 में ना कोई कभी वो आया था यार, कोई वो आया था राज करने के लिए, कैसे कोई मुगल आया था बाहर से, तो उसके जो पिताजी थे उनका नाम था मुजफ्फर खान। तो जो भी वो बादशाह जो रूलर आया था 1633 में, उसने मुजफ्फरनगर का नाम रखा अपने पिताजी के नाम पर जिनका नाम था मुजफ्फर खान, तो उससे पड़ा ये नाम मुजफ्फरनगर। देखा कितनी अच्छी मैंने आपको चीज़ बताई आज, क्या आपको पता थी ये बात? नहीं पता थी ना, अगर पता था तो कमेंट करना और बताना कि मैं सही हूँ कि नहीं। मैं तुक्का मारा है शायद से जो मैंने पढ़ा है अपनी हिस्ट्री में, बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। यार ठंडी हवा चल रही है बहुत, अपने इधर तो ठंड है नहीं खैर गाज़ियाबाद साइड में, पर इधर बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है कि अभी ठंड बाकी है। और मैं तो सिर्फ टी शर्ट में हूँ यार, बहुत ठंड लग रही है। चलो चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं फटाफट और आगे की जर्नी कवर करते हैं। चलो जी अब नेक्स्ट स्टॉप लेंगे अपन लोग कहाँ पर, मंसूरपुर में, वहाँ से कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे और कुछ कॉफ़ी ले लेंगे है ना, ताकि रास्ता आगे कवर होता रहे धीरे धीरे। देखते हैं कोल्ड कॉफ़ी या हॉट कॉफ़ी, लंबा रास्ता है अभी तो 2-3 घंटे का, तो चलते हैं धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं हमें अपने जगह पे पहुँचने की। अच्छा यार एक बात और बताना भूल गया, मुजफ्फरनगर में ना बहुत पहले दंगे भी हुए थे यार, मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए थे, पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ था मुझे पूरी तो खैर नहीं पता। तो मुजफ्फरनगर ना तब न्यूज़ में ज़्यादा आ गया था, तब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई थी, मतलब बहुत लोग मरे थे यार, मतलब हिंदू साइड से बहुत मरे थे और मुस्लिम साइड से भी बहुत मरे थे यार, मुजफ्फरनगर उससे हाईलाइट में आ गया था बिल्कुल। तो भाई अपन रुके हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं फटाफट और कॉफ़ी लेके फिर निकलते हैं फटाफट यहाँ से, अपना आगे का रास्ता देखते हैं फिर यार, बहुत लंबा जाना है अभी तो है ना, जल्दी जल्दी कवर करते हैं डिस्टेंस को। अरे भैया कहाँ हो? कोस्टा पे खड़े हैं अपन भाई, कोस्टा वाले भैया हैं ही नहीं। अरे मालिक आ जाओ अंदर को, मैं तो वेट कर रहा हूँ, कहाँ हो आप? कैरेमल कर दो भैया, पेमेंट सर यूपीआई कार्ड? हाँ कार्ड से कर दूंगा भैया, एक मिनट रुको खाने के लिए कुछ ले लेता हूँ, ये यूट्यूब के लिए। क्या हुआ, हर जगह लाओ है यार, हम जगह जगह डालते हैं, चलो ठीक है नहीं डालता, एक कर दो आप मेरा ये हनी केक, कैरेट हनी केक। हाँ जी यार कॉफ़ी तो लेके आ गया हूँ गाड़ी में, वहाँ पे भैया ने वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया, तो अब यार अब भैया मना कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई कांट मेक दी वीडियो, तो मैंने फटाफट पैक कराया, टेक अवे लिया और मैं अपनी गाड़ी में आगे बैठ गया हूँ और अब आगे बस जर्नी शुरू करता हूँ। खाने के लिए खास नहीं मिला, बस एक फ्रूट केक लेके आया हूँ वहाँ से मैं, अभी लास्ट टाइम तब मैं गया था ना भाई के साथ, तो यार मैंने रस्ते में एक जगह पर ना रुक के एक ढाबे पर हम लोग रुके थे, तो आई डोंट नो इफ़ यू ऑल ईट नॉन वेज और नॉट, एंड मैं तो खाता हूँ भाई, साफ सीधी बात है, पेट है सब मांगता है, तो सब खाना भी चाहिए। तो इस जगह पे रुक के ना हमने यार वो खाया था ब्रेड ऑमलेट, तो मैं वहाँ रुकूंगा और वहाँ पे खाऊंगा, शायद से आ भी गया, पहुँच गया, हाँ आ गया आ गया आ गया, यही ढाबा था शायद से, हाँ 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 शायद से जो ढाबा आ रहा है ना यही वाला था, यहीं पे हमने खाया था ब्रेड ऑमलेट वगैरह, हाँ यही जगह थी भाई, यही जगह थी, आ गए सही जगह पर आ गए। तो चलो भाई को बोलते हैं और अपन लोग खाते हैं बढ़िया सा ब्रेड ऑमलेट। ए देखो जी ये रहा अपना ऑमलेट और ये रही सामने भाई की दुकान, जो भी आए जरूर खा के जाए, अलकनंदा ढाबा है ये, अलकनंदा ढाबा मुजफ्फरनगर रोड पे, बड़ा प्रसिद्ध ढाबा है यहाँ का, इस पे आए खाए और मज़े लेके जाए अपने।
खाली और निकल चुके हैं आगे यार। अब फटाफट जर्नी कवर करते हैं क्योंकि अब ऑलरेडी 6:38 हो चुका है और जो हमारा जो डेस्टिनेशन है वी शुड बी देयर बाय 9:00 लास्ट, बिकॉज ज़्यादा लेट करके फ़ायदा नहीं है यार। अब चलो रास्ता इंजॉय करता हूँ मैं, आप लोग वीडियो देखो आराम से। यार ये कावड़ जा रही है क्या? कावड़ का सीजन आ गया क्या? अभी मैंने कई जगह देखा रस्तों में, जगह जगह कई बसों पे और मतलब लोग पैदल भी जा रहे थे। अभी जाते हुए ना हर की पौड़ी जाएंगे, गंगा जी में जरा हाथ मुंह धोएंगे, थोड़ा सा जल की वो कर लेते हैं, अपने ऊपर छींटे डाल लेते हैं। कुछ अनजाने में पाप हुए होंगे तो भाई धुल जाएंगे। अब जो जान के किए होंगे वो तो खैर नहीं धुलते भाई, पर मैंने किए नहीं है वैसे भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग। ठीक है तो अनजाने पाप धो लेते हैं यार, हाथ मुंह धो लेते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलेगा, गंगा जी है भाई, शुद्ध जल मिलेगा वहाँ पर, और घर के लिए भी जल भर के लेके जाएंगे इस बार। यार बहुत टाइम हो गया जल लेके ही नहीं गया मैं यहाँ से, चलते हैं। चलो आपको भी, अगर हर की पौड़ी जाता हूँ ना मैं तो आपको भी कराता हूँ दर्शन गंगा जी के आज। पार्किंग में आ गए हम लोग हर की पौड़ी पे और ऐसे कुछ दिखती है पार्किंग यार, ये देखो है ना। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी और अब चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ जिसका रास्ता है यहाँ से। ये यहाँ पे आजकल स्टॉल लगे हुए हैं, मेरे ख्याल से रात के 12-1 बजे तक तो लगे रहते होंगे यार, मतलब पब्लिक तो यहाँ आती रहती है लगातार, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है वैसे। ये कनस्तरियां हैं भाई जल लेके जाने के लिए बड़ी बड़ी। भैया क्या क्या रेटिंग का भैया शंख का? अलग अलग रेट क्या भैया सारे? अच्छा ये जहाँ से निकलते हैं उस पे है या बाहर से आता है? कहाँ से भैया? उड़ीसा से आते हैं ये। ये भी आपका ही है? कनस्तरी कितने के भैया? कनस्तरी ये वाली 60 रुपए की है, एक दे दो। हर हर गंगे। ये देखो यार यहाँ पे रात भर ये लोग बैठे रहते हैं, आपको कुछ भी चाहिए मतलब कनस्त्री वगैरह प्रसाद वगैरह इनके पास अवेलेबल रहता है। मैंने तो बाहर से जो कनस्त्री लिए बड़े वाली ये मेरे को 60-50 रुपए की दी उन्होंने, 50 रुपए की, हो सकता है यहाँ पे आपको ये 20-30 रुपए की मिल जाए बार्गेनिंग करने पर, कोई ऐसा महंगा सौदा नहीं है यहाँ पर। ये क्या है भाई? फूल बहाने के लिए? कितने का है? 20 रुपए के।
इतना सुकून है यार यहाँ पर, मतलब दूर कहीं पे डीजे बज रहा है भगवान जी वाला ही, कांवड़िया आए हुए हैं, बट इतना आराम है यहाँ पे, सुकून है, मज़ा आ रहा है। हाँ, वाचस त्यागी व्लॉग्स, घूमने फिरने के, कभी मनाली, कभी जम्मू कश्मीर, कभी कहीं, आज तेरे पास हूँ बस। और बता कब से तू यहाँ पर, मतलब आज नहीं, ये काम कब से कर रहा है? जब से मैं पैदा हुआ तब से, तब मम्मी पापा दरिया गए थे। अच्छा, उसके बाद से ही। और कौन है साथ में? मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, मेरी मम्मी और पापा। मम्मी और पापा, तो पापा में क्या मतलब? पापा फोटोग्राफर है। अच्छा, मम्मी काम करती है, मैं जरा स्कूल में हूँ, मैं भी हूँ। कौन से स्कूल में जाते हैं यहाँ पर? मास्टर सत्य विद्या मंदिर कॉलेज में। तो दिन में स्कूल, रात को यहाँ पर? ना ना, तो मेले मेले में आता खाली, क्योंकि अभी टेंथ के बोर्ड के पेपर है। हाँ, अब टेंथ में है तो उस बार, और तो यहाँ बैठा है। नंबर आ जाएंगे तैयारी वाले, देख ले, अब कभी रिकॉर्ड हो रहा है, अगली बार आया तो मिलने में पूछूंगा तेरे नंबर कितने आए। देखो जी, अपनी गंगा मैया, और अब चलते हैं यहाँ से अपने घर की तरफ, मतलब घर की तरफ नहीं, ऋषिकेश चलते हैं, अपने जहाँ पे काम है अपना। और इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूँगा, एक पवित्र स्थल पे, एक आप भी अपनी मनोकामना मांगी है, मैंने भी अपनी मनोकामना जो मांगनी थी भगवान से मैंने मांगी है, और आशा करता हूँ इस बार पूरी भी होगी। और ये एक पवित्र स्थान है, तो इससे अच्छी जगह क्या होगी यार वीडियो को एंड करने के लिए, है ना। आप देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलो, सबको हर हर गंगे, जय गंगा मैया।